तो गाइस आज मैं और शिनचैन घूमने आए हैं पहाड़ों में। उसके बाद हमने डिसाइड किया क्यों ना एक रेस की जाए, जिससे हमें पता चले कि इस बोर्ड और साइकिल में से कौन ज्यादा स्पीड है। अबे अबे नहीं, ये क्या हो गया, बातों बातों के चक्कर में रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो फ्रैंकलिन भैया, मैं आपसे आगे निकल गया, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे फिर से आगे निकल जाऊंगा। यार ये बोर्ड कमाल की चीज है, भाई क्या कर रहा था, हमें टक्कर मारने आया था गाइस, खुद नीचे चला गया। रुक शिनचैन, मैं भी आ रहा हूँ। गाइस यार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है बहुत ज्यादा आगे निकल गया। नहीं नहीं बुरा, और एक मिनट थॉर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से जाके पूछते हैं। और थॉर तुम कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ही ढूंढने आए थे फ्रैंकलिन, हमें तुमसे एक जरूरी काम है। एक मिनट यार, ऐसे बात मत किया करो, फिर मुझे डर लगने लगता है। और इतना भी क्या अर्जेंट था जो मेरे पीछे यहाँ तक आ गए? और पहली बात तो तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पर हूँ? हम एसगार्ड के राजा है, वहाँ के गॉड है, हमें पता होता है कि कौन कहाँ पर है। ओके अब बोलो मदद क्या चाहिए? दरअसल गॉड धरती पर आ गया है और वो हेला के साथ मिलके मुझे मारना चाहता है। हमें कुछ जरूरी काम से एसगार्ड जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें संभालो। अरे पर मैं कैसे संभालूंगा, मेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अपनी पावर और सूट देंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? गाइस यार पता नहीं कौन सा सूट मिलेगा। ओ भाई साहब, अबे यार ये कैसा सूट है, ये तो तुम्हारे वाले से काफी अलग है, ये तो कहीं से भी थॉर नहीं है। चिंता मत करो, तुम अपनी पावर और सूट को अपग्रेड कर सकते हो ऑनलाइन शॉप से। अच्छा ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ। गाइस यार ये साइकिल लेके निकलते हैं, इन लोगों को तो खाली मुंह खोलना होता है कि खुद कमाओ खुद अपग्रेड करो, जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर इतने शोर शराबे की आवाज क्यों आ रही है? आवाज वहाँ से ही आ रही है, जल्दी से पास जाके देखते हैं। ओ भाई साहब यहाँ तो आग लगी है और आप लोग भीड़ देख रहे हो। अरे कोई बचाओ उसे, अरे कोई बचाओ वो मर जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, ये घर किसने जलाया और ये सब लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे भैया दरअसल बात ऐसी है कि अंदर एक आदमी फंस गया है, अब हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे निकाले। अबे यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, मुझे जाने दो। गाइस हमें जाके बचाना होगा, ये सब तो आम इंसान है। वैसे मैं भी आम इंसान ही हूँ, पर अभी मेरे पास थॉर का सूट है। ओहो आग तो काफी तगड़ी लगी है, पता नहीं अंदर के क्या हाल होंगे। यहाँ पर थोड़ी आग है, सामने है, अब फटाफट से जाके उस आदमी को ढूंढते, पता नहीं कहाँ पर होगा। ओ ओ एक मिनट गाइस, एक स्केलेटन, कहीं वो लोग जल के खाक तो नहीं हो गए? अबे ये लोग तो जाग गए, यहाँ तो बहुत सारे स्केलेटन लग रहे हैं। ओ भाई साहब तेरी तो मैं हट, अभी तक तो एक दिख रहा था। यार ये लोग आए कहाँ से? आउच दीवार से टकरा गया, ध्यान देना चाहिए यार मैं आज अंधे जैसा चल रहा हूँ। अरे रुक मेरे भाई, बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, एक आम आदमी के घर पे इतने सारे स्केलेटन क्या कर रहे हैं, वो भी जिंदा। ये देखो ये फिर से उठ गया, इसकी तो मैं सोया रे। चलो गाइस मुझे लगता है सबका काम हो गया। अबे नहीं नहीं यहाँ पर एक और है, एक नहीं दो है, हट यहाँ से, कितने अजीब लग रहे हैं यार और फनी भी। चलो अब मुझे लगता है कि पक्का सब निपट गए, फटाफट जाके उस आदमी को ढूंढते हैं। अरे भाई साहब कहाँ पर हो आप, मैं आपको बचाने आया हूँ। कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर हूँ गाइस, यार आवाज तो इसी साइड से आई थी। कहाँ है ये रहा, आप चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक मिनट, घर के अंदर तो इतनी आग भी नहीं है और ये खिड़की भी खुली हुई है, तुम भागे क्यों नहीं? सच्ची बताओ तुम कौन हो? ओह तुम तो हमें पहचान गए, कैसे हो भाई, मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की पर तुम तो समझदार निकले। ये लो तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। बेवकूफ गाइस, यार वो तो लॉकी था, हमें फंसा गया, उसने ये सब गेम प्लान किया था, ये घर में आग लगाना फिर स्केलेटन, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मुझे पता लग गया। अब यार वो तो भाग रहा है, मैं बातों में रह जाऊंगा, हम लोग उसका पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो बस साइकिल है। यहाँ पर एक गैराज है, पक्का कुछ तो होगा इसके अंदर। ओ चलो भाई साहब एक छोटी सी गाड़ी है गाइस, दिखने में तो अच्छी है पर पता नहीं कितनी स्पीड होगी। मैं आ रहा हूँ लॉकी, तू ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। बोलो यार गाइस कैसा भाई है, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है मेरा। चलो गाइस ज्यादा दूर नहीं निकला, अभी भी मैं उसे देख पा रहा हूँ, भागने तो उसको दूंगा नहीं मैं। ओ भाई साहब ये तो पहाड़ पहाड़ के ऊपर से उखड़ जा रहा है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गए हम लोग, पर कोई बात नहीं, बैलेंस तो कर लिया कम से कम, मुझे तो लगा था यही पर उल्टा हो जाऊंगा। वो तो सीधे रास्ते पर चला गया, इससे पहले ज्यादा स्पीड करे, हम लोग पहुंच गए भाई। अब यार एक छोटी गाड़ी ज्यादा संभल नहीं रही है मुझसे, इसे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और गाइस ये क्या, हमारा काम तो अपने आप ही हो गया, लॉकी घाई घाई में पत्थर से टकरा गया, अभी हमें मारने के लिए आ रहा है। आजा बेटा आजा, वैसे भी मुझे बदला लेना, ये ले तेरे को मैं बताता हूँ, तू मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म नहीं आती, मैं तो तुम्हें भाई भी नहीं मानता। अब ये ले और ये खा। और बेटा तू तो गया, और चार थोड़ा हेलमेट पे लग गया गाइस। चलो गाइस कब से बड़बड़ कर रहा था, अच्छा हुआ बेहोश कर दिया। वैसे वहाँ मुझे स्केलेटन को मारने के थोड़े पैसे मिले थे और यहाँ पर इसको मारने के, अब हमारे पास $10,000 है। देखते हैं कि $10,000 में कौन सा सूट है। ये खुला मार्केट और ये बाइक, ये वाला सूट मैंने पहली बार देखा है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं। वैसे जाने के लिए यही गाड़ी है बस, और तो कोई रास्ता भी नहीं है। पर अभी हम लोग आगे करेंगे क्या यार? एक मिनट, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ क्या? जरा देखो तो, एक मैसेज है, क्या लिखा है? लॉस सेंटोस में रेस होने वाली है और उसे जीत
जीतने पर मिलेगा 1,00,000 का इनाम। गाइस यार क्या बात है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। देखो लोकेशन तो यही की थी, पर यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। दे रहा है पर वो कुछ ज्यादा ही दूर है। मुझे लगता है इसी जगह से जाना है, ये एलिवेटर ही होगा। ओ भाई साहब, इसने तो हमें सीधा यहीं पर पहुँचा दिया। वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, मुझे लगता है पूछना तो इनसे ही है। अरे दादा, यहाँ के रूल्स वगैरह बता दो, करना क्या है, इनाम कितना है। ये एक रैंप चैलेंज है, जो भी इसे 2 मिनट के अंदर पूरा करेगा उसे मिलेगा $1,00,000। ओके तो ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गाइस यार जल्दी से एक बाइक के पास चलते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम है और टाइम लिमिट बस 2 मिनट की है। ये रैंप भी पता नहीं कितना लंबा होगा। बीच बीच में एक फुटबॉल वगैरह सब डाल दिए, यहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ा आड़ा टेढ़ा होकर निकलना पड़ेगा, रास्ते का इंतजार नहीं कर सकते। गिरते गिरते बचा यार, मुझे लग रहा है अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, बस इन ब्लेड से ना टकराऊ। थोड़ा सा तो लग ही गया था यार। तो जब तक मैं ये रैंप कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन लोगों ने टाइम खाने के लिए ना एक से एक ऑब्स्टेकल रखा है बीच में, ये देखो। पर हम लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे। ओ ये ब्लेड नहीं लगे, बस ऊपर से गई है। गाइस हम लोग नीचे जाने वाले। ओ भाई 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 भाई, क्या गैप से निकले यार, कहीं रुके ही नहीं। चलो ये अपने लिए बहुत अच्छा है। 1 मिनट, यहाँ पर तो कार सकती है। मुझे लग रहा है कि इसके आगे का रास्ता इन्हीं से करना होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, गाड़ी लेता हूँ और बैठ के तुरंत निकलते यहाँ से। फिर से वही सब चीजें, बॉल, बर्गर, टायर, कुछ और भी खरीद लेते हैं यार। कोई नहीं अपने लिए तो अच्छा ही है गाइस। जितना जल्दी ये रैंप हो उतना जल्दी इनाम मिलेगा। बस इन ब्लेड से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर जोर से लग गई ना तो उछल के कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, और वहाँ से आने में तो सारा टाइम चला जाएगा। यहाँ से जंप है, चलो चलो आगे रास्ता है गाइस। मुझे लगा था उस एरो पर कूदना है, कभी कभी तुरंत पता नहीं चलता, अपने आप ही हो जाती है चीजें। अब मुझे लगता है कि मैंने आधे से ज्यादा तो क्रॉस कर लिया होगा। अब यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ना है, मुझे तो लगा था खत्म होने वाला होगा। अब यार क्या त्रास है, एक तो इतना डर लग रहा है ना मुझे, नीचे पानी है और मुझे भीगना बिल्कुल भी नहीं है। चलो 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 चलो, और ये यहाँ से नीचे सीधा। अबे यार फिर एक टनल है ऊपर जाने के लिए, इतना लंबा रैंप है यार, और इन लोगों ने बस 2 ही मिनट दिया है। मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा कितना टाइम जा चुका रहेगा। ओह भाई 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 भाई, मुझे लगा गाड़ी नीचे जाएगी रे, ये तो यही पर रुक गई। गाइस हमारा पोपट हो गया। अब यहाँ हेलीकॉप्टर है, आगे इससे जाना होगा, तो जल्दी से जाके चॉपर में बैठते हैं। चालू हो जा मेरे बाप, चलो 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 चालू हो गया गाइस। अब बारी है यहाँ से उड़ के जाने की, मुझे लगता है इन टायर्स के बीच में से निकलना है। ओहो रास्ता काफी ज्यादा लंबा लग रहा है, चॉपर है तो जल्दी हो जाएगा, बस यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी टकराता है। अब गाइस बस 2-4 टायर बचे, इनके बीच में से भी निकल जाऊँ तो फिर मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा। यहाँ से मुझे शायद फिनिश लाइन दिख रही है। गाइस हम लोग पहुँचने वाले, बस 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 बस, थोड़ा बाकी है, आराम से उतरना आराम से उतरना। ओहो फटाफट उधर जाता हूँ और जरा टाइम तो देखे। वाह गाइस क्या बात है, 2 मिनट के पहले कर दिया, इसका मतलब $1,00,000 हमारे हुए। जल्दी से देखते मार्केट में कौन सा सूट है। और ये बाइक आया, ये तो थोर रैग्नारोक वाला सूट है। इसके पहले वाला मुझे नहीं पता था कौन सा है, पर ये वाला मुझे पता है। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते और देखते कि आगे पैसा कैसे कमाया जाए। तो हमें कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, और अभी तक तो हमारे पास इतनी पावर्स भी नहीं आई है। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, हमारा हैमर कहाँ पर है। अबे यार उसके बिना मैं थोर कैसे हुआ। जल्दी से फोन लगाता हूँ थोर को। हेलो, हाँ बोलो फ्रैंकलिन। अबे यार तूने मुझे हैमर तो दिया ही नहीं। हम तुम्हें हैमर नहीं दे सकते क्योंकि वो गौर ने चुरा लिया है, पर चिंता की बात नहीं है, हमें पता है कि गौर कहाँ पर है फिलहाल, और वो हैमर भी वहीं पर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। ओके तो जल्दी से मुझे लोकेशन भेज। अच्छा ठीक है, तो गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं। बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मुझे हैमर ऐसे मिल जाएगा, वो गौर के पास है, वो जब गॉड्स को मार सकता है तो मैं तो इंसान हूँ। चलो यार गाइस दी हुई लोकेशन पर तो पहुँच गए। ये बहुत अजीब सी जगह है यार, और वहाँ कोई तो खड़ा है जो मुझे दिख रहा है। देखो 2 जन है, उसमें से एक तो पक्का डिस्ट्रॉयर है, वो इतना बड़ा है कि दूर से दिख जाता है, और वो दूसरा शायद गौर ही है, और थोड़ा थोड़ा तो हथौड़ा भी दिख रहा है मुझे। वाह क्या बात है, थोर आया है। हे तुम दोनों, मेरा हथौड़ा मुझे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ वो तो मान गए कि तुमसे बुरा कोई नहीं है, और रही हथौड़े की बात तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है गाइस ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तैयार हो जाओ मेरी फौज, इसे मार गिराओ। ओ ओ ओ भाई यार, यहाँ तो पूरी डेड आर्मी आ गई है, गौर तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, अब इन सबको फटाफट मारना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा दूर भागता हूँ। मैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, हवा में मक्खियां मार रहा हूँ क्या? फटाफट फटाफट, मुझे तो डर लग रहा है यार। चलो गाइस यार गन से ही काम लेना होगा, धड़ाधड़ मारते सबको। वाह क्या बात है यार, इन्हें मारने के भी पैसे मिल रहे, मजा आ गया। देखो छोटी वाली गन से काम नहीं बन रहा है, हमें इससे कुछ बड़ा चाहिए, ये रे गन काम आएगी। भाई साहब अब बताते हैं इनको, लाइन से जाएंगे सबके सब, क्या धार धार जा रहे हैं और क्या पैसे मिल रहे हैं हमें, और अच्छे खासे मिल रहे हैं यार। चलो जितने ज्यादा घोस्ट उतने ज्यादा पैसे। चलो मुझे लगता है यहाँ का काम तो हो गया, अब जाके उन्हें बताता हूँ। मुझे बस किसी भी हालत में मेरा हथौड़ा चाहिए, गौर मुझे मेरा हथौड़ा दे दे। अब सुन रहा है कि बहरा हो गया। गाइस अपने हथौड़े को बुलाने की कोशिश करते हैं। अब यार ये तो आ ही नहीं रहा, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। अबे ये क्या डिस्ट्रॉयर, निकल यहाँ से।
चलो थोड़ी सांस आई, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ओ, 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 नहीं यार क्या अब यार थोड़ी देर रुक जा, ओडिन मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी थोड़ी तो पावर चाहिए होगी वरना मैं इसे कैसे हराऊंगा। अबे यार ओडिन सुन भी रहे हैं? नहीं पता नहीं भाई, यार हमारा हथौड़ा चमक रहा है, कहीं ओडिन ने हमारी बात तो नहीं सुन ली। जरा देखते बुला के, आ जा और आ गया। अब दिखाता हूँ मैं डिस्ट्रॉयर को। कहाँ गया भाई? यही पर था, गायब हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, वो रहा, अब इसने लेजर छोड़ी। एक तो दिन ब दिन इसकी पावर बढ़ते जा रही है, पर इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम लोगों ने मेरा हथौड़ा चुराया। बिना हथौड़े के यार थोर नहीं लगता मुझे। ये ले और ये खा, अब बजेगा तेरा बैंड। गाइजर इसे उठने का मौका ही नहीं देंगे। अब ये ले बिजली के झटके, बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। मालिक तो मालिक होता है आखिर में, बनाया तो हमने था इसे। कहाँ गया ये रहा। ओ, 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 अरे नहीं 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 यार, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये ले, हवा में मारने आ रहा था, हवा में झटका मिल गया। क्या गिरा है? एक और मार देते गाइस इसको। और ये गया, क्या उछला है। अबे यार ये तो उड़ने लग गया रे। ये ले, इसको हम लोग चांस ही नहीं देंगे। मैं भी देखता हूँ ये हमें कैसे हराता है। तेरी तो, ये ले और ये था। गाइस मुझे लगता है ये तो निपट गया। और इसके भी हमें मिले हैं $5,00,000, पहले के सबको मिला के 5,00,000 और अभी के, इसका मतलब हमारे पास हो चुके हैं $1,000,000। अब जल्दी से जाके गौर को सबक सिखाते हैं। एक मिनट यार, गौर कहाँ गया? गाइस मुझे लगता है कि वो भाग गया है। चलो कोई बात नहीं, पर पहले जो $1,000,000 मिला है उससे अपना सूट चेंज कर लेते, देखते हैं कौन सा सूट है। और ये बाय, क्या बात है, अब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे इसकी शक्ल समझ नहीं आ रही है। अब ये पोपट है, ईगल है, कौन सा थोर है यार। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपग्रेड तो हुए हम लोग। देखो गाइस मुझे एक चीज पता है कि हेला के पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और अगर हमने उसे चुरा लिया तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एसगार्ड जाना होगा। चलो पोर्टल तो खुल गया गाइस, अब आराम से जाते हैं और वहाँ हमें किसी को पता लगने नहीं देना कि हम आ गए। चलो 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 पहुँच गए गाइस। ये क्या हेमडॉल, इसको यार रास्ते से हटाना होगा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। पर जाओ यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ का वफादार है, ये लौकी को सब कुछ बता देगा। ओहो हो, जरा देखो तो सही गाइस, वहाँ तो पार्टी चल रही है, हेला तो मजे कर रही है और लौकी भी यही बैठा है। हेला तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वहाँ पर थोर हमें हराने की कोशिश कर रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। गाइस यार वहाँ कुछ तो बातें चल रही है, हमारे पास यही टाइम है। एक मिनट, किसी के चलने की आवाज आ रही है, जल्दी से जाके छुपता हूँ, पता नहीं कौन होगा। एक मिनट, अभी तो ये वहाँ पर बातें कर रहा था, अब इस साइड आ रहा है, पक्का कुछ तो झगड़ा हुआ इसका। चलो गाइस लोकी तो गया, जाना भाई कितना स्लो चलता है यार। चलो चलो चलो, हो गया गाइस, अब जल्दी से जाके वो गाड़ी ढूंढनी है, पता नहीं कहाँ पर रखी होगी। देखो लोकी साइड गया तो इस साइड तो मैं जाने से रहा। अब यार यहाँ पर भी नहीं है, ऐसी भी कौन सी जगह रख दी, इस साइड जाके देखता हूँ। वाह कुछ तो है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब गाइस ये रही गाड़ी, और जरा देखो तो सही कितनी मस्त लग रही है यार। अब देखते हैं कि चलाने में कितना मजा आ रहा है। ओ नहीं 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 नहीं, हेला को पता चल गया, फटाफट यहाँ से निकलना होगा। चलो गाइस निकले तो सही, बस एक ही गड़बड़ है कि हेला हमारा पीछा कर रही है और ये गाड़ी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, पता नहीं हेला कैसे चलाती है इसको। यार कोई नहीं गाइस, बैलेंस तो कर ही लिया है, अब कैसे भी करके इसको साइमन के पास पहुंचाओ और भेज दो, इसको पूरी स्पीड पे करता हूँ। एक मिनट यार, ये आवाज किस चीज की आ रही है? अबे यार हेला तो अभी भी पीछा कर रही है यार, मुझे इस गाड़ी को सुरक्षित करना होगा। ये देखो पहुंच गई। अबे नहीं नहीं हेला तेरी गाड़ी है, ऐसा मत कर। भाई यार ये तो मानने को तैयार ही नहीं है गाइस, देख रहे हो कितनी स्पीड में आ रही है। तू बचेगा नहीं, तूने मेरी गाड़ी चुराई, कौन है तू? अबे इसको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या? अच्छा मैं गाड़ी के अंदर हूँ ना गाइस, देखो ऐसे तो ये गाड़ी पक्का फोड़ देगी। अब मुझे इसे किसी अच्छी जगह पर रखना होगा जहाँ पर उसका ध्यान ना जाए। एक काम करता हूँ गाइस, यही पर रोक देता हूँ, फिर जाके हेला को सबक सिखाते हैं, उसके बाद इसको लेके जाके बेच देंगे। फिलहाल के लिए अंकल इसका ध्यान रखना। चलो चलो गाइस फटाफट जाके देखते हैं कहाँ पर है हेला मेरे सामने। डरवर गई है क्या मुझसे, कहीं दिखाई नहीं दे रही हेला? कम से कम बता के तो चली जाती। ओ नहीं नहीं मैं कहीं नहीं गई हूँ। हाँ तो अब जाएगी, ये ले पेट टूट गई होगी इसकी तो, तेरी तो मैं। और ये खा, बड़े भाई से पंगा नहीं लेते। वैसे देखा जाए तो ये मुझसे बड़ी है। अब ये ले और ये खा, इसको तो ऐसे झटके दूंगा ना मैं। क्या हथौड़ा लग रहा है इसको। तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। और ये ले, ओ भाई साहब पकड़ लिया पकड़ लिया। नहीं 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 आउच यार, एक चांस गया हमारे हाथ से, पर कोई बात नहीं हम लोग फिर से फॉर्म में आएंगे। अब ये ले, क्या पड़ा इसको, तेरी दाढ़ करके गिरी है। तुम जितनी कोशिश करनी कर लो, पर जीतेंगे तो हम ही, तुम अकेले हो और हम चार। अरे तो क्या हुआ, सुना नहीं क्या झुंड में तो सुअर आता है, शेर अकेला आता है। तुम शेर नहीं भीगी बिल्ली हो। तेरी तो मैं, ये ले कहाँ गई,
यहीं पर तो थी यार। मुझे लगता है कि गाइस वो डर के भाग चुकी है। अब हमारे पास यही चांस है, फटाफट उस गाड़ी को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यही रखी थी मैंने, ये रही। थैंक यू अंकल गाड़ी संभालने के लिए। अंकल बोल रहा होगा मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट स्टॉप होगा साइमन की शॉप और हम लोग पहुँचने वाले हैं। साइमन है कि नहीं है। अरे यार यहाँ पर तो आज कोई भी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही, इसका तो एक ही मतलब है। अच्छे कैसे पैसे मिल सकते हैं क्योंकि अभी इसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, तो इसे हमें अच्छी डील देनी पड़ेगी। हाँ तो साइमन कैसे हो? दरअसल मुझे ये वाली गाड़ी बेचनी थी जो तुम मेरे पीछे देख ही रहे हो। ये बहुत ही कमाल की और हेला की गाड़ी है। तुम मुझे बताओ कि कितना दोगे इसका? मैं तुम्हें इसका दे सकता हूँ $2 million। क्या 2 million? मतलब के बस 2 million? चलो कोई बात नहीं, इतना क्या, मैं फिर भी रख ही लेता हूँ। भरोसा नहीं हो रहा, $2 million। मजा आ गया, जल्दी से जाके सूट चेंज करते हैं, देखते हैं 2 million में कौन सा सूट है। और ये बाइक, ये वाला थॉट देख के थोड़ा सा दमदार लग रहा है। चलो अब जल्दी से जाके देखते हैं कि इसके आगे का सूट कैसे ले। एक मिनट यार, किसका कॉल आ रहा है? धोनी फ्रंट पे, मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अरे पर क्या हुआ, थोड़ी शांति से बता। गौर ने रियल थॉर को वश में कर रखा है, अब थॉर अपने काबू में नहीं है, उसने हम सभी को कैदी बना लिया। तुम्हें जल्दी से आके हमें बचाना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रहा हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी चलते, अब ये क्या मुसीबत है यार। एक तो आपको भी पता है कि थॉर कितना ज्यादा ताकतवर है, अगर गौर ने उसको कंट्रोल में कर लिया तो वो कितना ताकतवर होगा। कहाँ पर हो सकते हैं वो लोग? मुझे लगता है कि अवेंजर मेंशन पर ही होंगे, क्योंकि एक साथ इतने जनों को लेके जाना तो इम्पॉसिबल है। गाइस यार वहाँ से मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, पक्का वही होंगे। ओ ओ ओ भाई, वो रहा थॉर, ये तो देख के भड़का हुआ लग रहा है। ये रहे सारे अवेंजर। अबे यार इनको तो सच्ची में कैद कर लिया, और उन सभी को छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। याद कर तू हमारा दोस्त है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। फ्रैंकलिन कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हें नहीं सुन सकता, ये बस गौर की बात मानेगा। हमारे रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। ये दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देख मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है, पर मुझे मजबूर मत कर। कहा गया यार, अभी तो यही पर था। ओ भाई साहब यार क्या मार रहा है, मेरे पास मियोनीर, इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर। कोई नहीं, इसे सबक सिखाएंगे गाइस। मुझे कैसे भी करके इसको बेहोश करना होगा, पर ये मौका नहीं दे रहा। अब ये ले। और ये क्या? और यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मान जा, ये मुझे मजबूर कर रहा है बुरा करने के लिए। अरे 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 अरे, एक तो यार स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा ताकतवर है, पर मुझे तो मियोनीर ज्यादा पसंद है। अब और कोई बिजली के झटके देने पड़ रहे, क्या दिन आ गए। पर क्या करूं गाइस, मजबूरी है। ये ले, इससे उठ गया। कौन से मिट्टी का बना है, अब तक तो टपक जाना चाहिए था, फिर भी ट्राई करता रहता है गाइस। ओहो, मुझे लग रहा है कि मैंने इसे बेहोश कर दिया है। और फ्रैंकली मेरी बात सुनो, तुम्हें गौर को जाके हराना होगा, वो आसपास ही कहीं होना चाहिए, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। गाइस यार सबसे पहले तो सूट चेंज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सूट मिला है, क्योंकि थॉर को मारने के बाद हमें मिला है $5 million। और ये बाय, ये काफी अलग है यार, शायद ये सूट मैंने पहली बार पहना है। अब जाके मजा चखाता हूँ। गौर बेटा मैं आ रहा हूँ, अब जहाँ पर मैंने लेके जाएगा मैं वहीं पर जाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा मुझे अच्छा रास्ता ही दिखाता है। और सही भी, ओ ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में इस साइड जा रहा है यार, वो पक्का यही कहीं होना चाहिए। बोरा गाइस जरा देखो तो सही, इसने तो अपने आसपास काली शक्तियों का डेरा ही बना लिया है। अच्छा तो तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैंने अच्छे अच्छों को हरा दिया है, तो तुम क्या हो मेरे सामने जब मैंने थॉर की वाट लगा दी। देखो उसका मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हारी वाट जरूर लगाने वाला हूँ। और गाइस अभी हमारे पास तगड़ा वाला सूट है, हेलमेट निकाल देता हूँ, फिर मेरे को आसपास का जल्दी दिखाई नहीं देता। अबे कहाँ गया? ओ ओ ओ ओ, देख रहे हो उसका डार्क मैजिक। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, उठ जा जल्दी से। अबे यार मौका तो दे दे, मौका तो दे दे, दिख भी नहीं रहा है, मौका भी नहीं दे रहा है। ओ गाइस इसे जल्दी जल्दी मारना होगा। ये ले, और ये खा तेरी तो मैं। अब इसको झटके देते हैं, इसने थॉर के साथ खिलवाड़ किया, हमारे अवेंजर टीम के साथ मजाक किया। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर याद रखना तुम्हारे जैसे कई गॉड जैसे मरे पड़े हैं जिन्हें मैंने मारा है, तो तुम क्या हो? मैं पूरे एस्गार्ड को खत्म कर दूंगा। गाइस यार मुझे लगता नहीं है ऐसे मानेगा। तेरी तो गॉड्स को कभी नहीं मार सकता। मुझे तो लगता है ना गाइस, इसकी पावर इसके सर पर चढ़ गई है, कुछ भी बोले जा रहा है। बड़े बहुत झटके खाएगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये ले। अबे नहीं नहीं नहीं, फिर से गायब हो जाता, तेरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया यार, मैं कैसे गिर गया यहाँ पर? कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग इस पर भारी पड़ रहे हैं, अब ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ये ले। गाइस मुझे लगता है कि मैंने इसे हरा दिया है, चलो फाइनली मानना पड़ेगा लेकिन इसकी पावर को। अब गाइस टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का, हमने तो अपना काम कर ही लिया है। ओ एक मिनट, कुछ तो हो रहा है गाइस, अजीब सा लग रहा है। ओ